हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 सॉल्व करने जा रहे हैं। और अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमारे एक बुक में मिसप्रिंट दिया हुआ था, इसके बारे में मैंने आपको बताया था और कैसे सॉल्व करना है वो मैंने डिटेल में आपको समझा दिया। यानी कि 1 से लेकर के अगर आपको 7 तक की वीडियोज़ देखने हो तो वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे प्रीवियस वीडियोज़ के भी नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है। और जो मैं अगला एक्सरसाइज बनाऊंगा एक्सरसाइज 2.5, उसका भी लिंक दे दिया। यानी कि ऑल वीडियोज़ ऑफ चैप्टर 2 में आप क्लिक करना ना, तो सारे इस चैप्टर के जितने भी एक्सरसाइजेस हैं सबका मैंने वीडियो बना रखा है, सब आपको मिल जाएगा वहां पर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया हमारे पास। तो हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ ए डियर है ना आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई। यानी कि एक हर्ड है, हर्ड का मतलब समझते हो ना, झुंड। ठीक है, जैसे भेड़ बकरी का झुंड होता है ना, उसी तरीके से डियर का झुंड है ना। डियर किसे बोलते हैं? हिरण वगैरह को। ठीक है, तो हिरणों का झुंड है, उसमें से जो हाफ है वो क्या कर रहे हैं? ग्रेजिंग, यानी कि घास चर रहे हैं। ठीक है, और जितने बच गए, यानी कितने बच गए, तो आधे में से आधा बच गए, तो आधों का जो 3/4 पार्ट है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? खेल रहा है। और उसके बाद भी कितने बचे हुए हैं? तो उसके बाद भी 9 बच गए हैं, वो क्या कर रहे हैं? ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, वो पानी पी रहे हैं, वाटर पी रहे हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, ऑफ टोटल जो डियर है ना वहाँ पर कितने हैं। तो देखो, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार फिर से मैं जो समझा दे रहा हूँ कि एक झुंड है डियर का, ठीक है, उसमें से आधे जो क्या बोलते हैं हिरण है, वो पानी क्या कर रहे थे? ग्रेजिंग कर रहे हैं। और जितने बच गए हैं उनका 3/4, ठीक है, 3/4 मतलब होता है 3/4, उतने हिरण क्या कर रहे हैं? वो प्लेइंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और उसके बाद भी जो बच गए, तो बचे कितने? 9 बच गए, वो ड्रिंकिंग कर रहे हैं वाटर। तो बताइए कि टोटल वहाँ पर हर्ड में कितने डियर हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ एकदम सिंपल मेथड में। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं कि टोटल जो डियर है वहाँ पर वो कितने हैं, तो वो एक्स हैं। ठीक है, क्योंकि हमको पता नहीं, तो एक्स वाई जेड को ही मान सकते हो आप। तो यहाँ पर एक्स ले लेते हैं कि लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डियर बी एक्स। मान लीजिए कि टोटल जो है वहाँ पर एक्स हैं। अब वहाँ पर जो ग्रेजिंग कर रहे हैं फील्ड को, है ना, फील्ड चर रहे हैं, वो कितने कर रहे हैं? यहाँ पर हम लोग सिंपल लिख लेते हैं ग्रेजिंग। ठीक है, तो ग्रेजिंग कितने कर रहे हैं? ग्रेजिंग मतलब होता है चरना, तो इसके आधे है ना, आधा का मतलब होता है 1/2। तो x का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 से, तो कितना आ जाएगा? x बन जाए x बाई में 2, यानी कि x बाई 2 जो है ना वो क्या कर रहे हैं? घास चर रहे हैं। अब उसमें से जितना बच गया, टोटल में से देखो आधा तो घास चर रहे हैं, अब इसमें जितना बच गया है ना, उसका 3/4 हमको बोला गया है कि वो क्या कर रहा है? प्लेइंग कर रहा है। तो वो कैसे निकलेगा वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो प्लेइंग लिख लो पहले आप, कि प्लेइंग कितने कर रहे हैं। तो टोटल जितने थे, ठीक है, टोटल कितना हमारे पास? एक्स है। तो एक्स में से अगर हम लोग माइनस कर देते हैं एक्स बाई 2, यानी कि जितना घास चर रहे हैं, तो जो आता है हमारा आंसर ना, उतने का 3/4 जो है वो प्ले कर रहा है, यानी कि 3/4। इस तरीके से आपका ये इक्वेशन बनेगा 3/4 थोड़ा निकालने के लिए। यानी कि टोटल में से आधा जो चर रहे थे ना उसको माइनस कर दो, और जितना आएगा आंसर उसका 3/4 जो रहा है वो प्लेइंग कर रहा है। ठीक है, तो ये कितना आएगा? ये भी हमारा आधा ही आएगा, एक्स बाई 2 ही आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि देखो टोटल का आधा यहाँ पर चर रहा था, तो बचा कितना? आधा ही बचेगा ना। अब इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, तो भी देखना हमारा आधा ही आएगा, यानी कि एक्स बाई 2 ही आएगा। कैसे आएगा? 2 का मल्टीप्लाई एक्स से कर दो तो 2x हो जाएगा। शॉर्टकट तरीका बता दे रहा हूँ मैं आपको सॉल्व करने का, 2 का एक्स से मल्टीप्लाई किया तो 2x हो गया, उसमें से माइनस कर दो एक्स को। तो 2x में से हम लोग माइनस करेंगे एक्स को, और डिनोमिनेटर में जो 2 है उसको उतार देंगे, और मल्टीप्लाई में 3/4 है उसको रहने दो। तो यहाँ पर देखो हमारा कितना आ गया, 2x में से 1x माइनस होगा तो कितना आएगा? 1x आ जाएगा ना। तो वो हमारा कितना बन गया? एक्स बाई 2 ही बन गया। यानी कि आधा को हम लोग कितना बोलेंगे? एक्स बाई 2 ही तो बोलेंगे, क्योंकि आधा खेल, आधा घास चर रहे थे, तो खेल कितने रहे होंगे? तो आधे का ही 3/4 खेल रहे हैं, यानी कि 3/4 का ही। तो इसको आप डायरेक्ट भी यहाँ पर लिख सकते हो, बाकी इतना अगर आप सॉल्व करके बता दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो आप डायरेक्ट कर दिमाग भी लगा सकते हो कि जो प्ले कर रहे होंगे वो आधे ही तो प्ले कर रहे होंगे, है ना, यानी सॉरी आधा का ही 3/4 प्ले कर रहे होंगे, क्योंकि आधे तो घास चर रहे थे। तो यहाँ पर अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा? 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, और नीचे में 4 2 हमारा 8 आ गया, यानी कि प्लेइंग कितने कर रहे हैं? तो 3/x, है ना, सॉरी 3x बाई में 8 प्लेइंग कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर ड्रिंकिंग कितने कर रहे हैं, तो ड्रिंकिंग हम लोग के ड्रिंकिंग, ठीक है, शॉर्टकट में स्टेटमेंट लिखना है, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। तो ड्रिंकिंग जो कर रहे हैं, वाटर ड्रिंकिंग, वो 9 डियर्स कर रहे हैं। अब यहाँ पर से हम लोग को कुछ इक्वेशन बनाना है। ये तो हमारे पास टोटल डियर का नंबर पता चल गया, ग्रेजिंग वाले पता चल गए, ठीक है, यहाँ पर जो प्ले कर रहे हैं उनका पता चल गया, और यहाँ पर जो ड्रिंकिंग कर रहे हैं उसका पता चल गया। लेकिन अब हमको यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो कुछ इक्वेशन तो बननी चाहिए ना। तो अब इक्वेशन कैसे बनाए? तो एकदम सिंपल है। देखो क्या करना है आपको, कि जो हमको दिया हुआ है ड्रिंकिंग वाले 9, ठीक है, तो हम ये कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल डियर थे एक्स,
उसमें हम क्या करते हैं कि ये जो ग्रेजिंग कर रहे हैं और जो प्लेइंग कर रहे हैं ना उनको हटा देते हैं, उनको माइनस कर देते हैं, तो बचेगा कौन? ड्रिंकिंग वाला ही बचेगा। यानी कि टोटल मान लो वहाँ पर 20 थे, ठीक है, और 11 यहाँ मतलब कि 5 मान लो ग्रेजिंग कर रहे थे और 6 प्लेइंग कर रहे थे, तो 5 6 कितना हो गया, 11 हो गया हमारा, तो बचा कितना, 9 ही बचा। यानी कि 9 जो है वो ड्रिंकिंग कर रही है। मैंने अभी अप्रॉक्स बताया, मुझे पता नहीं आंसर, मैं आपको बस ऐसी समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग सिंपल इसका इक्वेशन बनाने के लिए ऐसे लिख लेते हैं कि नाउ वी हैव, अब हमारे पास क्या है, इक्वेशन बन गया कि टोटल जो एक्स है उसमें से अगर हम लोग जो ग्रेजिंग कर रहा है और जो खेल रहा है उसको अगर हम लोग माइनस कर दे टोटल मिला करके, यानी कि एक्स बाई 2 और ये वाला जो हमारा 3x बाई में 8 निकला है ना, इन दोनों को अगर हम लोग माइनस कर दे टोटल मिला करके, तो हमको कौन सा मिल जाएगा, तो ड्रिंकिंग वाला मिल जाएगा जो कि 9 है। अब यहाँ से ये हमारा इक्वेशन बन गया, अब इसी को सॉल्व करेंगे जल्दी से और हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमको टोटल नंबर ऑफ डियर पता चल जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक्स को एक्स ही रहने दो, ये बाहर वाला जो एक्स है ना इसको भी रहने दो, पहले हम लोग अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस साइन भी है, यहाँ 2 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 2 ही सॉरी 8 हो जाएगा, क्योंकि वो हम दोनों का टेबल में आता है, यानी कि 2 के टेबल में भी 8 आता है और 8 के टेबल में भी 8 आता है। तो शॉर्टकट तरीका है कि आप एलसीएम डायरेक्ट यहाँ पर 8 को ले लो, बड़े वाले नंबर को एलसीएम ले लो, तो ये हमारा 8 हो जाएगा। बाकी आप निकालना चाहो तो 2 और 8 का एलसीएम निकाल करके देख सकते हो, 8 ही आएगा। अब क्या करते हैं, जो एलसीएम आता है उसे डिनोमिनेटर को डिवाइड और ऊपर में मल्टीप्लाई, तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 4 आ जाएगा, और 4 का एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 4x आ जाएगा। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा लो, 8 को 8 से डिवाइड दोगे तो 1 आएगा, और 1 का 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x ही आ जाएगा। इक्वल के उस साइड में 9 को भी रहने देते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से x माइनस में 4 और 3 7x हो गया और डिवाइड बाई में 8 इक्वल टू 9, ठीक है। यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको अब इसके आगे, तो यहाँ से देखो इसको फिर से उसी तरीके से हमारा बन गया, एक बीच हवा में लटक रहा है और एक फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व करना है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था ना, कहाँ गया ये वाला, इसके इससे मल्टीप्लाई करो और ऊपर वाले नंबर को माइनस है तो माइनस कर दो, सेम टू सेम हम यहाँ पर वही करेंगे, 8 का एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 7x कर देंगे, तो 8x जा 8x हो जाएगा, यानी 8 और एक्स से मल्टीप्लाई हो तो 8x आ जाएगा और माइनस में 7x डिवाइड बाई में ये जो 8 है वो रहेगा ही। बाकी आप चाहते हो तो इसको आप जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, यानी कि इसके नीचे एक 1 छुपा हुआ है, फिर 8 और 1 का एलसीएम लेकर के 8 आएगा, फिर उस 8 से 1 को डिवाइड देंगे, जो मैंने यहाँ पर किया वैसे भी आप कर सकते हो, लेकिन उसमें लंबा टाइम लगेगा। तो ये छोटा सा ट्रिक है, इसको आप आजमा लो, ये आपका काम आएगा आगे चल करके। इक्वल के साइड में जो 9 है उसको रहने देते हैं, तो यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 8x में 7x माइनस हुआ तो बचा 1x, जिसको हम सिंगल x लिखेंगे, तो सिंगल x बाई में 8 इक्वल टू 9। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है तो 8 को इधर ट्रांसफर कर दो, इधर ये डिवाइड में इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल टू जाएगा 9 मल्टीप्लाई 8, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 9 8 जा 72, यानी कि वहाँ टोटल नंबर ऑफ हर्ड डियर कितने हैं उस हर्ड में, तो 72 डियर है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, एक एक चीज़ मैंने एकदम स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में और उसे समझते हैं वहाँ पर क्या दिया गया है और कैसे सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 पहले रीड कर लेते हैं, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, ए ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, ही इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर, तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको अभी भी एज वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो मैंने इसके प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन था सर 2 और 3 नंबर में था, इसी टाइप से एज वाला क्वेश्चन, वहाँ पर मैंने आपको एकदम डिटेल में समझा दिया है, तो आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा उन वीडियोज को, ताकि आपको जो डाउट है मन में एज से रिलेटेड जो डर है वो निकल जाए। यहाँ पर भी देखो ये भी क्वेश्चन एकदम सिंपल बोल रहा है, ग्रैंड फादर जो है वो 10 टाइम ज़्यादा है अपने ग्रैंड डॉटर से, तो मान लो कि ग्रैंड डॉटर का जो उम्र हो रहा होगा वो एक्स ईयर हो रहा होगा, तो ग्रैंड फादर कितना हो जाएगा, 10 टाइम ज़्यादा है तो 10x हो जाएगा। उसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि वो जो है ना अपने डॉटर से 54 ईयर और ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, एक इक्वेशन मिल जाएगा और उसी इक्वेशन में पुट करके हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ग्रैंड डॉटर की पता चल जाएगी और फिर उसमें ग्रैंड फादर की पता चल जाएगी। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, मैं आपको कॉपी में इसको सॉल्व करके बता देता हूँ डिटेल में। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस तरीके से लिख लेंगे कि मान लेते हैं जो ग्रैंड डॉटर का जो एज है वो कितना है, एक्स ईयर्स है, ठीक है, ये एक्स और वाई जो मैंने गलती से सटा दिया ना, ये अलग अलग लिखना, आप जो एक्स है वो अलग होगा, तो द लेट द एज ऑफ ग्रैंड डॉटर बी एक्स ईयर्स, यानी कि जो ग्रैंड डॉटर का एज है वो एक्स ईयर मान लिया हमने, तो जो ग्रैंड फादर का एज होगा वो कितना होगा, वो 10 टाइम ज़्यादा है, यानी कि 10x हो जाएगा। अब इसके अलावा भी हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझो आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि जो ग्रैंड फादर का एज है, यानी कि जो 10x है हमारे पास ना, वो क्या है, ग्रैंड डॉटर के एज से 54 ईयर्स ज़्यादा है, यानी कि हम लोग ग्रैंड डॉटर के एज में अगर 54 ईयर प्लस कर देते हैं तो हमको ग्रैंड फादर का एज मिल जाएगा। ये हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया, बस इसी को आपको समझना है, उसके बाद ये सिंपल सॉल्व हो जाएगा। इसको देखो दूसरे लैंग्वेज में और समझा देता हूँ मैं, मान लो यहाँ पर दो लोगों का एज दिया हुआ है, एक जो है ना वो जितना भी है, तो दूसरा वाला मान लो एज हमारा एक का 20 है और दूसरे वाले का 5 है, तो ये जो है 20 वाला ये 5 वाले से कितना ज़्यादा है, कितना बड़ा है, तो 15 ईयर्स ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, अगर दोनों को इक्वल करके हम लोग को शो करना है तो यहाँ पर 5 वाले में 15 प्लस कर देंगे, तभी ना हमारा 5 और 15 20 होगा और इधर भी 20 है, तो हम लोग दोनों को फिर इक्वल लिख सकते हैं। समझ में आया बात, सेम उसी तरीके से अब हम लोग यहाँ पर भी 54 इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा ये इक्वल बन जाएगा। अब बस इसी को आपको सॉल्व करना है।
तो आइए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10x, ये एक्स इधर प्लस में है, इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में ये 54 रहेगा ही। फिर 10x में से 1x यहाँ माइनस हुआ तो बच गया कितना, 9x बच गया, इक्वल के उस साइड में 54। हमको निकालना किसका वैल्यू है, एक्स का, तो 9 को भी इधर ट्रांसफर कर देंगे तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा 54। 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, ध्यान रखना बीच में कोई भी साइन नहीं, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन है, तो इधर आकर के 9 हमारा डिवाइड में हो जाएगा। तो एक्स यहाँ से कितना निकल गया, 9 1 9 और 9 6 54, तो 6/1, तो नीचे 11 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप केवल इसको 6 लिख दो। तो एक्स की वैल्यू निकल गई यहाँ से 6, यानी कि जो हमारी ग्रैंड डॉटर है ना, मैं उसको ग्रैंड डी लिख देता हूँ। तो ग्रैंड डॉटर का जो एज होगा वो कितना होगा वहाँ से, तो यहाँ माना देखो जो ग्रैंड डॉटर का एज था वो कितना था, एक्स माना था हमने, और एक्स की वैल्यू कितना निकल गई, 6 निकल गई, यानी कि 6 ईयर हो जाएगी। और उसके बाद फिर जो ग्रैंड फादर है, ठीक है, ग्रैंडफादर, उनका जो एज होगा वो कितना होगा, वो 10 टाइम इनसे ज़्यादा है, यानी कि 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 10 से। देखो 10x है ना, इसका मतलब 10 मल्टीप्लाई x, तो 10 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 ईयर्स। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखो ये हमारा जो ग्रैंडफादर हैं वो 54 ईयर से ज़्यादा भी हैं, 60 ईयर हो रहा है उनका, 6 हो रहा है, यानी कितने ज़्यादा हुए, 54 ईयर ज़्यादा हो गए। तो यानी कि हमारा जो आंसर है बिल्कुल सही है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व। ये जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, उसको भी इसी टाइप से ना कि सिंपल मेथड में समझ लेते हैं। तो ये रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोला जा रहा है कि अमन्स एज इज 3 टाइम हिज सन्स एज, यानी कि जो अमन का एज हो रहा है ना उनके सन के एज से, उनके बेटे के एज से 3 टाइम ज़्यादा है। 3 मल्टीपल, यानी कि अगर बेटे का 10 ईयर हो रहा होगा तो अमन का कितना हो रहा होगा, 30 हो रहा होगा। 3 टाइम यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर दो 10 का। अब क्या बोला जा रहा है आगे, 10 ईयर्स अगो, यानी कि 10 साल पहले ही वॉज 5 टाइम ही सन्स एज, यानी कि 10 साल पहले क्या था कि जो अमन का एज हो रहा था 5 टाइम ज़्यादा था अपने सन के एज से। तो बताइए कि उनका जो प्रेजेंट एज है ना वो कितना है। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि उनका प्रेजेंट एज उनके बेटे का एक्स मान लेते हैं, क्योंकि जो अमन का है वो 3 टाइम ज़्यादा है, तो अमन का कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। फिर 10 साल पहले वाला हमारा -10 कर देंगे। ये कॉपी में समझाता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया सन के एज को एक्स ईयर मान लो, तो अमन का जो एज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब हमको कितने साल के पहले की बात कर रहा है, 10 साल पहले की बात कर रहा है, 10 ईयर्स है ना पुरानी बात कर रहा है। तो यहाँ पर हमको मान लो कि आपका अगर अभी एज 15 हो रहा है, तो 10 ईयर्स पहले आपका एज कितना हो रहा होगा वो जाने के लिए हम क्या करेंगे, 15 में से 10 माइनस कर देंगे। उसी तरीके से इन दोनों के एज में से भी हम लोग क्या करेंगे, 10 ईयर्स माइनस कर देंगे, क्योंकि 10 ईयर्स का पहले का बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमसे बोला ये गया था कि 10 ईयर्स पहले जो अमन का एज था, ठीक है, वो उनके सन के एज से 5 टाइम ज़्यादा था, यानी कि 10 ईयर पहले जो अमन का एज होगा वो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 3x में से -10 कर देंगे, ये प्रेजेंट एज है, 10 साल पहले का अगर उनका उम्र जानना है तो हम क्या करेंगे, -10 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लिख भी दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये सब हमको क्वेश्चन में कहा गया है। तो 3x में से हमने 10 माइनस कर दिया, तो ये जो 3x माइनस 10 था ना, ये 10 साल पहले कितना था, किसके इक्वल था, तो उसके सन के जो भी एज था 10 साल पहले उसका 5 टाइम ज़्यादा था। यानी कि अगर हम लोग इसे सन का 10 साल पहले का एज देखें तो कितना हो जाएगा, x माइनस 10 हो जाएगा, और इसमें हम लोग क्या करना है, 5 का मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि बोला है 5 टाइम ज़्यादा, यानी कि 10 साल पहले जितना भी सन का एज था ना उसमें अगर हम लोग 5 का मल्टीप्लाई करते तो हमको अमन के एज को पता चल जाता कि अमन का एज कितना है। ये हमसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया था कि 10 साल पहले अमन का एज और 10 साल पहले के बेटे का एज का जो रेशियो था वो कितना था, 5 टाइम ज़्यादा था, यानी कि अमन का जो एज था 5 टाइम ज़्यादा था उनके बेटे के एज से, इसलिए हमने बेटे के एज में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब समझ में आ गया कैसे करना है ना, बस अब इसको यहाँ से आप सॉल्व करो इस इक्वेशन को और यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, ये आंसर निकल जाएगा। बाकी अगर आप चाहो तो डायरेक्ट इसको नहीं भी लिखना है अगर आपको, अब इसको अलग अलग भी लिख सकते हो। अलग अलग कैसे लिखोगे कि 10 ईयर्स अगो सन एज है ना, सन का जो एज है 10 ईयर पहले वो कितना हो जाएगा, तो इक्वल करके लिखना एक्स माइनस 10, और उसके बाद अगला लाइन में लिखना कि 10 ईयर्स अगो अमन एज, अमन का एज 10 ईयर पहले कितना हो जाएगा, तो इक्वल करके लिखना 3x माइनस 10, और फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके ये वाला इक्वेशन बना देना। ये दूसरा तरीका है, बाकी वो डिटेल में ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको इतने ही में समझा दिया। ठीक है, तो अब ये हमारा इतना बन गया, अब इसको जल्दी सॉल्व करते हैं, हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 10 इक्वल के उस साइड में 5 का एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो 5x, माइनस और प्लस माइनस 5 को 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 50। एक्स एक्स को एक साइड कर लेते हैं, नंबर नंबर को एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये छोटा वाला 3x है ना, इसको इधर ले जाते हैं, इधर हमारे पास -10 पहले से है, -10 लिख लो। ये जो -50 था इधर आकर के क्या हो जाएगा, +50 बन जाएगा। ठीक है, इक्वल के उस साइड में 5x पहले से है, ये जो 3 प्लस में इधर था, ये माइनस की जो साइन है वो ध्यान रखना ये 10 के लिए, ना कि 3 के लिए, 3 के लेफ्ट में कोई भी साइन नहीं, यानी कि वो प्लस में है। तो ये +3 जो था राइट साइड में जाकर के -3 बन जाएगा, यानी कि -3x। तो यहाँ देखो प्लस और माइनस माइनस होगा, 50 में से 10 माइनस हुआ तो 40 आ जाएगा, और बड़े वाले नंबर में प्लस साइन है तो प्लस का ही साइन रहेगा।
इस साइड में 5 में से 3 माइनस हो तो 2x आ जाएगा। अब यहाँ से हमको x वैल्यू निकालनी है, 2 के इधर ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा 40 बाई में 2, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो गया, इक्वल टू उस साइड में x। अब यहाँ से ये 2 वन जा 2, 2 टू जा 4 और ये 0 का 0 उतर जाएगा। तो डिनोमिनेटर के 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं है, 20 इक्वल टू x लिख लो या x इक्वल टू 20 लिख लो, बात एक ही होता है। समझ में आ गया बात ना? तो x यानी कि 20, इसका मतलब कि जो सन का एज है वो प्रेजेंट एज कितना है, 20 ईयर्स है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं सन्स एज इक्वल टू 20 ईयर्स, और जो अमन का एज है वो कितना है, तो उनसे 3 टाइम ज़्यादा है वो, तो यहाँ पर हो जाएगा अमन्स एज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 60 ईयर्स। 20 का 3 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा, 60 ही आएगा, यानी कि जो अमन का एज हो रहा है वो 60 ईयर्स हो रहा है। तो इस तरीके से आपको एज वाले क्वेश्चन को मैंने एकदम डिटेल में भी समझा दिया और बेसिक जानकारी भी दे दी यहाँ पर, और बाकी 2 क्वेश्चन अब पहले से भी थे एज वाले, तो उनको भी आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जब अगला एक्सरसाइज हमारा 2.5 उसको ही मैं आपको इसी तरीके से डिटेल में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।